समाजवादी पार्टी के नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह यादव जी द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए जिलाध्यक्ष वीरेंद्र यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी पीडीए के फॉर्मूले के तहत सभी वर्गों को सभी साथ लेकर जनपद मथुरा की बंजर भूमि में 2027 में साइकिल चलाकर निश्चित जनपद में इतिहास बदलने का काम करेगी। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पीडीए के नायक दलित पिछड़े अल्पसंख्यक गरीब मजलूज किसान नौजवान के नेता माननीय अखिलेश यादव जी के हाथी को मजबूत कर इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनाकर इतिहास रचेंगे, क्योंकि जिस तरीके से आज देश में किसान आत्महत्या कर रहा है, नौजवान बेरोजगार घूम रहा है तथा भारतीय जनता पार्टी लगातार संविधान पर कुठारघात कर रही है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर द्वारा दिए गए संविधान को खत्म करने का प्रयास कर रही है। समाजवादी पार्टी बाबा साहेब के संविधान की रक्षा के लिए सदैव तत्पर है तथा भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र को आम जनता तक पहुंचाकर इनको बेनकाब करेंगे। समाजवादी पार्टी संगठन को जनपद मथुरा में प्रत्येक बूथ पर पहुँचाने का काम करेंगे। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी अयोध्या जीती है, इसी तरीके से इस बार मथुरा को जीतने का काम करेंगे। अयोध्या हुई हमारी, अब की बार मथुरा काशी की बारी। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रदीप चौधरी ने कहा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में सरकार बदलने के बाद अखिलेश यादव को पिछड़ा वर्ग से होने के नाते मुख्यमंत्री आवास को गंगाजल को धोया है, 2027 में पीडीए भारतीय जनता को प्रदेश से धोने का काम करेगी। मथुरा का जिलाध्यक्ष नामित किया गया है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? आपके द्वारा आज एक प्रेस वार्ता का भी आयोजन किया गया, क्या रहेगा आपके आगे की रणनीति? इस प्रेस वार्ता के द्वारा आज मैं पत्रकार भाइयों से रूबरू हुआ हूँ, मुखालफत की है मैंने अपनी पार्टी की नीतियों और रीतियों के लिए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने मुझे जनपद मथुरा का अध्यक्ष बनाकर यहाँ भेजा है, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ उनके बताए हुए मूल मंत्र पीडीए को धार देने का यहाँ काम करना है और जनपद मथुरा में एक नया इतिहास बनाने का मुझे प्रयास करना है। आज तक कोई विधायक यहाँ से जीत कर नहीं जा पाया है। हम ईश्वर के आशीर्वाद लेकर, श्री कृष्ण भगवान का आशीर्वाद लेकर ये प्रयास करेंगे कि यहाँ से एक विधायक हम अपनी समाजवादी पार्टी को दे पाए। जी, मथुरा जो सीट है वो लगातार भाजपा जीत गया, अब आप कह रहे हैं कि सपा जीतेगी, उसके लिए क्या कुछ ऐसा करेंगे? देखिए, एक देसी कहावत है, भूत विद्या मल गई 12 वर्ष चल रही, तो ये भारतीय जनता पार्टी की भूत विद्या मल गई थी, 12 वर्ष चल रही है, अब इनका अंत होना बहुत निश्चित है। मजदूर, नौजवान, महिलाएं, किसान सब समझ चुके हैं कि ये किसी का कोई हित नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ इनका काम तो बेचने का है और ये भारत को तोड़ तोड़ कर बेच रहे हैं। किस तरह मानते हैं, किस तरह तोड़ रहे हैं? देखिए, सारी तो रेल बेच दी, सारे एयरपोर्ट बेच दी, जितनी PSU हैं जिनको भारत का नौ रत्न कहा जाता है, आधी से ज़्यादा ये बेच चुके हैं और आधी से ज़्यादा की भीड़ तैयार करा रहे हैं, सारी आउटसोर्स पर नौकरियाँ दे रहे हैं, पक्की नौकरी इन्होंने ख़त्म कर दी, अग्निवीर जैसी घातक योजना इन्होंने यहाँ लागू कर दी और मुझे तो लगता है अभी बहुत जल्दी अग्निवीर की तरह पुलिसवीर भी ये यहाँ पर नई योजना लागू करके पुलिस को भी ख़त्म कर रहे हैं। आगे चलकर आपकी सरकार आती है तो किस तरह करेंगे? देखिए, हमारी सरकार तो श्री अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे उस समय भी आपने देखा, लैपटॉप हमने बांटे, पेंशन हमने बांटी, साइकिल हमने बांटी, किसानों की भेद और आपसी हमारी सरकार ने समाप्त की, बच्चियों को जो शिक्षा लेती है उनकी पूरी शिक्षा मुफ्त की, तो ऐसे अच्छे कार्य हमारी पार्टी द्वारा उस समय किए गए जिनको आज भी किसान, मजदूर और सभी लोग, नौजवान याद करते हैं। मथुरा के अगर मंदिर की बात करें तो आप क्या कहते हैं जी? श्री कृष्ण जन्म स्थान के मंदिर को लेकर के अगर बात करें तो क्या कहेंगे? श्री कृष्ण जन्म स्थान हमारे दिलों में बसा हुआ है, हमारे मनों में बसा हुआ है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को गुमराह कर वहाँ विद्रोह कराना चाहते हैं और हम किसी भी कीमत पर, और सिर्फ हम नहीं, हमारी पार्टी नहीं, इस पूरे ब्रज का कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि वहाँ पर द्वेष भावना फैले और जो है गलत काम कोई हो।